अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अंसर पाशा यूट्यूब कोला से। तो आज मैं आया हुआ हूँ इटली के पास, जो अगले महीने 8 और 9 फरवरी 2024 को जो इज्तिमा होने वाला है। तो यहाँ का आपको मैं मंज़र दिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही हैं, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है, चलिए देखते हैं। देखिए यही मैदान है जहाँ इज्तिमा होने वाला है 8 और 9 फरवरी 2024 को। तो बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर, बहुत सारे आदमी आ सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो अभी जो 8 और 9 फरवरी 2024 को जो इज्तिमा होने वाला है, तो यहाँ की तैयारी कितने परसेंट होकर है अभी तक? सबसे पहले सलाम अलैकुम पूरियां को भी, पूरी आवाम को भी, जो ये भैया का चैनल देख रही हैं उनको। माशाल्लाह डे वन से यहाँ काम चल रहा है, अंतर्भा तुम पूरा देख भी सकती है। अब मैं तुम्हारा हृदय समकने और दिखाता हूँ, ये देख सकती है अंतर्भा तुम्हें समका काम कितना चल रहा है। इंशाल्लाह जैसा आवाम आचे इंशाल्लाह उसकी पूरी तैयारी के साथ ही तकरीबन ये महीने के ऊपर से काम चल रहा है। लेवलिंग का 60% काम हो गया है, 60% काम हो गया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी पूरा मुकम्मल हो जाता है इंशाल्लाह। बेशक और सब बनाने जा रही है, और पार्किंग के वास्ते पूरा दो, वो कॉर्नर में देख सकते हैं पार्किंग के वास्ते। वो पूरा उधर वार जो लास्ट जो पहाड़ दिख रहा है वो पूरा टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग को, और उसका रास्ता जाकर अंदर गौ में से जाता है। अंदर का गौ में से टोटल उसका रास्ता जाता है। अल्लाह फैल से यहाँ संपाच है, यहाँ से पूरा पानी, टोटल पूरा पानी यहाँ से सप्लाई होता है जो भी पानी है। और माशाल्लाह इतना पानी की सहूलत है यहाँ, 5 बोरा सिर्फ इसी अंदर ये पार्किंग में 5 बोरा मिल गई। जरूरी मैसेज देना था, ये मैसेज शायद हमारे भाई तलक नहीं गया। ये जो भी बड़े गाड़ी आती, लारी बस और टेम्पो सिक्स व्हील्स जो भी है, उसे पार्किंग है। फोर व्हीलर और टू व्हीलर को पार्किंग अंदर, वो भी इंशाल्लाह दिखाते हैं मेरे चैनल के जरिए से। जो भी सिक्स व्हीलर की गाड़ियां आती तो उनके लिए टोटल ये पार्किंग मेन, उनको पार्किंग है। अब जो टू व्हीलर फोर व्हीलर की पार्किंग है वो इंशाल्लाह तुम्हें अंदर दिखाती। पार्किंग के वास्ते और फोर व्हीलर पार्किंग को ये रखा जाना जी, टू व्हीलर और फोर व्हीलर। ये देखो है हमारे हिंदू भाई आते, उनके बच्चे खेलते रहते, जो भी इंसान गाड़िया आते वो आराम से आना। जानवर मुर्गा बकरे और जो भी रहती उनके चलते फिरते रहती, ये देख दिखा को आना। ऐसा आप यहाँ डिवाइड होता रास्ता, ये देख लो, इसमें लेफ्ट में आना, लेफ्ट में आना है। ये पूरा खरिया अच्छा याद रख लो, हाँ स्लो से आना गाड़ी। जब भी हमारे वॉलंटियर्स भाया भी रहती है, उन्हें जो गाइडलाइंस करती उसके ऊपर फॉलो करो। कितना एक आधा किलोमीटर होता है इंशाल्लाह रोड की, इंशाल्लाह 8 और 9 को इधर हटी वॉलंटियर से आपको रास्ता दिखाएंगे कि इधर से जाना है किधर से नहीं जाना। बाजू से रेट में जाना है, ये जरा कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता है, गाड़ियां जरा से आना। तो ये टू व्हीलर पार्किंग ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी टू व्हीलर पार्किंग है। अभी वो लास्ट में वो आप असलम में खड़ी ना, वो पूरी कार पार्किंग हो, कार पार्किंग जी, ये लास्ट जगह कार पार्किंग जी। जी वॉलंटियर जो भी बोले वो इंशाल्लाह उसके ऊपर फॉलो करें सब लोग जो भी आने वाले आबा भाई।
पूरा इस्तेमाल का मैदान है जी। ये खाने का जोना का भी दिखा तुम्हें, तुमने रास्ता कैसा था। जी ये पंडाल के बैक साइड है, तो तुम्हें ये पूरे जोना की ये तीन जोना भी हैंड बैठते हैं, जो भी तुम्हें खाली मैदान देख रही ये जोना खाने के जोन ये खाने के जी। एक के बैक साइड जी 8 और 9 फरवरी में जो भी इज्तमा इधर होने वाला है उसमें सारे मुसलमान भाइया शिरकत फरमाइए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। अस्सलाम वालेकुम। तो और एक बात है, अमन और सुन सा है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम।